हेलो वेलकम बैक व्यूअर्स, थैंक्स अ लॉट हमारी वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए, ढेर सारा प्यार देने के लिए, लव यू ऑल व्यूअर्स। क्या हाथ से हिलाकर अगर डिस्चार्ज हो जाते हैं तो इससे क्या टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है? ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है और ये इसलिए होता है कि उनको लगता है कि कहीं आगे का जीवन हमारा कहीं खतरे में तो नहीं रहेगा, या शादी के बाद कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर किसी और तरीके की मर्दाना ताकत शरीर में कम हो जाएगी, इस तरीके के सवाल रहते हैं। इट्स वेरी क्लियर, अगर आप हाथ से हिलाकर डिस्चार्ज होते हैं तो इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी सही और असली जानकारी जहां पर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स जो कि हमारी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में काम करते हैं, उन्होंने उनकी एक ग्रुप ने एक अवेयरनेस के लिए आपके लिए एक हैंडआउट तैयार किया था, जिसे सब जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू पूरी जनता को अवेयर करने के लिए दिया गया था। हो सकता है आपने वो नहीं देखा हो, बट उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक को कॉपी करके क्रोम में या गूगल में पेस्ट करेंगे और सीधा उसको सर्च करेंगे, वो हैंडआउट आपको वहां से ओपन हो जाएगा जो पीडीएफ फाइल में है। आप उसको जरूर पढ़िएगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग है जो कि हमारे भारत सरकार के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के द्वारा दी गई है। वेल, इसके साथ साथ इस एक्टिविटी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको करते कैसे हैं। अगर आप इसे बहुत फास्ट करते हैं तो ये मैं समझता हूं कि आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए इसमें, बिकॉज जहां पर एक नेचुरल फिजिकल रिलेशन होते हैं उसमें और इस हैंड प्रैक्टिस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और अगर ये डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा तो आपको मेंटल और फिजिकल दोनों सेटिस्फेक्शन इसमें मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक डिस्टेंस है, मैं कहूं यहां से 100 मीटर आपको दूर जाना है, अब आप उसमें बहुत तेज अगर भाग के जाते हैं तो जब आप मेरे पास लौट कर आएंगे तो आप यू करेंगे, मतलब पोजीशन ये होगी कि आप उसमें आपकी सांसें चलने लगेंगी, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, आपका गला भी सूख सकता है, आपका जो ब्रीदिंग लेने की जो नॉर्मल लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ उसी डिस्टेंस को आप बहुत आराम से जाइए और फिर मेरे पास आइए, तो जब आप आराम से उस डिस्टेंस को कवर करके मेरे पास आएंगे तो शायद आप नॉर्मल रहेंगे। तो इसी तरीके से ये हैंड प्रैक्टिस की एक्टिविटी होती है, जहां पर आप इसे बहुत तेजी से करेंगे तो वो फिजिकल और मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप उसे नॉर्मल तरीके से करेंगे, आराम से करेंगे, तो वो फिजिकल और मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए ठीक है। वेल, जो मैंने लिंक दिया है उसे जरूर आप वहां पर पढ़ें, उससे आपका दिमाग खुलेगा, और जो इतनी टेंशन रहती है कि इसको करके आप अपराध बोध फील करते हैं जिसकी वजह से आपका मन कहीं काम में नहीं लगता, सिर्फ इस टेंशन की वजह से कि हायरे मैंने ये क्या कर लिया है, करना भी है और फिर उसके बाद करके हम उस पर गिल्टी फील कर रहे हैं, जबकि ऐसा फील नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी नेचुरल, सब करते हैं, ठीक है, लेकिन उसको तरीके से करना वो जरूरी है। वेल, इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लिंक में है, आप उसे जरूर देखिए। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करिए। अगर आप डायरेक्टली कुछ पर्सनल इश्यूज पर बात करना चाहते हैं तो मैं कॉल मी फोर ऐप पर अवेलेबल हूँ, आप वहां पर मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो वेल, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।